जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। सर दोबारा मैंने ऐड कर दिया, अगर अनम्यूट करके बोलना चाहे तो। हेलो, जी हेलो सिस्टर, क्या हाल है? जी सिस्टर, हेलो से आगे बताइए। मिस कंजुलेमान, आपका हेलो आ गया, उससे आगे बोलिए। आपकी ये सब डिस्कशन का क्या मकसद? मकसद है कि इस्लाम का असल चेहरा और इस्लाम की हकीकत जो कि स्कॉलर्स नहीं बताते वो बताई जाए। आप इस्लाम से निकल चुके हैं, जब आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप क्यों इस्लाम को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम हमें मारने के बारे में कहता है, हमें कत्ल करने के बारे में कहता है, और हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा इस किस्म का कट्टर ना रहे कि वो लोगों को कत्ल कर सके। और इस्लाम फितना फैलाता है पूरी दुनिया में, तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये असल इस्लाम का रूप है, ताकि वो इस्लाम को छोड़े और वहां से बाहर निकले। सिर्फ एक बात को लेकर आप 10-10 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हैं। एक बात को सर, जब कुरान आपका महफूज नहीं है तो अल्लाह मियाँ का वादा तो हो गया नाकाम। अल्लाह मियाँ ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तो अगर अल्लाह अपना वादा ही पूरा नहीं कर सका, एक सेकेंड, अगर कुरान का अल्लाह अपना आपसे वादा ही नहीं क्या पूरा कर सका, ताल्लुक है? वो सही है, गलत अल्लाह, है, लेकिन आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बिल्कुल ताल्लुक है उससे, कैसे ताल्लुक? मुझे उससे ताल्लुक है कुरान से, क्योंकि कुरान कहता है कि कत्ल कर दो, कत्लो कताल करो, लोगों को मजबूर करो, कॉपीराइट उनको की जदुद बात कोब कर रहे हो? करो, उनको जजिया देने पे वो तो मजबूर हमें कह करो। रहे हैं ना, हमें कहता है जो भी कहता है। आपको तो हाँ दी, लेकिन वो करवा किससे रहा है, किस पे रहा है? हम लोगों पे करवा रहा है ना। तो मैं उस कुरान को क्यों ना जलीलो ख्वार करूं, उसको वो तबाह हुआ हुआ है ही नहीं आप लोगों के पास। है किसी के पास असल कुरान? पूरा कुरान दिखाएं मुझे, किसके पास है? आपके पास है? जो हम कुरान पढ़ रहे हैं वही असल है। वो असल है, यही तो साबित किया आज आपके मोहम्मद अली साहब आए, उनसे 1.5 घंटे की डिस्कशन हुई, वो भी साबित नहीं कर सके। आपकी हदीसें भी कहती हैं कि कुरान असल नहीं है, मैंने सब आपकी डिस्कशन तमाम सुनी है, मुहद्दिस और मैंने सब स्कॉलर्स भी डिस्कशन कहते हैं कि सुनी कुरान नहीं है है। आपकी। सर जी, आपकी आवाज़ बहुत मसला करने लग जाती है, मुझे क्लियर आती नहीं है। नहीं, तो बीबी जी, आपका इंटरनेट सही नहीं है ना? इंटरनेट अच्छा लेके आई है ना? मेरे इंटरनेट में कोई इशू नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है। नहीं, कोई और प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम इंटरनेट के साथ है। लेकिन देखे ना, क्या आपका कुरान महफूज है? आज की स्ट्रीम आपने सुनी? इतनी बड़ी डिबेट की थी, वो सुनी आपने? मैंने सिर्फ ये स्ट्रीम नहीं, मैंने आपकी काफ़ी सारी स्ट्रीम सुनी है, और लेकिन मुझे इन स्ट्रीम से कोई असर नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चले प्योर मुस्लिम हूँ, सर, वो तो अल्लाह मियाँ ने जो कहा है मुझे ना तो कोई फर्क कि नहीं पड़ता। आप आपके, हाँ जी, हाँ जी, ट्रांसलेट मैं बताने लगा, स्ट्रीम का मैं भी जवाब दे रहा हूँ। आपने अपने कान बंद कर लिए हुए हैं, दिल पे मोहर लगा ली हुई है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो लेकिन अगर आप अपने दिमाग को खोल लें, दिल को खोल लें, तो बीबी जी आप ये दीन छोड़ देंगी। सिंपल सी बात है, हम तो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने दिल खोले हुए हैं, दिमाग खोले हुए हैं, और सिर्फ ईमान पे नहीं चलते बल्कि वो लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलते हैं। आप जैसी खवातीन के लिए नहीं है। आप ऐसा करें, अब अपने खावन को कहिएगा कि सूरह चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 34 आपके ऊपर अप्लाई करें, वो आपके लिए बनी है। और सूरत नंबर आपकी 33 की स्क्रीन आयत पर, आपकी नंबर स्क्रीन पे ये कहना चाहती हूँ कि मैं जिस कंट्री में रह रही हूँ, ना मैं इंडिया में हूँ ना मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं जिस कंट्री में रह रही हूँ, इधर हर मुल्क के मुसलमान रहते हैं, और वो वही कुरान समझते हैं जो हम पाकिस्तानी समझते हैं, जो इंडियन समझते हैं, उनको कोई शक शुबा नहीं। अगर वो सलात को वो भी नमाज ही मानते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम दुआ पढ़ लें, ये नमाज आपके जिस है। कंट्री में आप रहती हैं, जिस भी कंट्री में आप रहती हैं, जी, आपका आपकी शादी हुई भी है, खावन है आपके? आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट है कुरान, मैंने इसका पूछा, मतलब दूसरा बोल रहे हैं। आपके खावंद हैं, शादीशुदा हैं आप? मैं इधर अपनी पर्सनल वारंटी बताऊं, चले, अगर आपके खावंद है तो उन्हें कहिएगा कि सूरत नंबर 4, सूरत निसा की आयत नंबर 34 को आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, अगर आप किसी सेक्युलर कंट्री में हैं तो। मुझे आपकी बात समझ आ गई और सुरेंद्र साहब। आप अगर वरना लेडी आप हूँ जब तो आप जाती मुझे हैं, वो आज बताएंगे हाँ जी, कि आप जब जिससे मैं जाती मुतासिर हैं, हो हाँ जी, सकती आप हूँ। जब जाती हैं घर से मैं बाहर, सब समझती हूँ,
आपकी बात नहीं समझ आप जब घर से बाहर जाती हैं तो पर्दा करती है, जैसा कि कुरान में कहा है सूरत नंबर 33 की आयत नंबर 59 के ऊपर करती हूँ, ग्लव्स तक पहनती हूँ। हाँ जी, आप पर्दा करती हैं माशाल्लाह, तो इसका मतलब है कि आप कुरान के ऊपर, अब आप कहिएगा कि अपने मियाँ को भी कि वो आपको पर्दे में रखे और आपके ऊपर सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 34 को इम्प्लीमेंट कराए, और कुरान के मुताबिक आपको मेरी स्ट्रीम में आके बोलना नहीं चाहिए। आप नामहरमों से बात कर रही हैं, जरूरत के तहत बात की जा सकती है। हाँ तो जरूरत क्या है आपको, जरूरत क्या है यहाँ पे बात करने की बीबी? अच्छा ये 300 भी मैडम, एक सवाल और एडम, एक सवाल और ऐड कर दो, क्या ये अपने ऊपर 3 सौतने लेना भी पसंद करेंगी जैसे कुरान कहता है? सर वो है ना, वो नॉन सेक्युलर कंट्री में है, वहाँ पे पॉलीगमी जायज नहीं है। नहीं लेकिन कुरान को जायज करता रहा, तो इनको रहती हूँ, जो मेरा इस्लाम कहेगा मैं उसको बखुशी कबूल करूंगी। चले बेहतरीन, अब आप ऐसा कीजिएगा कि 3-3 सौतने अपने मियाँ को कहिएगा लेके आए आपके ऊपर, और एक रात आपको दे, एक रात उनको दे, फिर एक रात उनको दे। एक 6 साल की बच्ची भी हो, 9 साल की नहीं, शादी निकाह तो 6 साल में हो सकता है, और इसमें इख्तलाफात हैं, हर बंदे की ये बात नहीं, हर बंदा ये बात नहीं करता है। अच्छा मुझे सिर्फ कुरान की परफेक्ट प्रिजर्वेशन अभी जो आपको दिखाया कि दो आयतें गायब है, याद आ रही है मुझे, जो कुरान में दो आयतें गायब है फ्रंट में, जो आपके सामने हदीस है, दो सूरतें गायब है, आप क्या कहती है ये सूरतें कहाँ पे गई? कौन सी सूरत आप कह रही हैं? आपने स्ट्रीम सुनी नहीं? असल में मैंने आपकी स्ट्रीम इतनी नहीं सुनी, मैंने वो दूसरी जो स्ट्रीम है मैंने वो ज्यादा सुनी है, आप उधर भी आते हैं, मैंने उधर आपको सुना है। अच्छा तो फिर ये जो, चले खैर आप ऐसा करें, अपने मियां को कहें, मैं जवाब देना चाह रही हूं जो मैंने कल ही सुना है, जी दें, कल परसों में, जी दें, दें, आप एक आयत कोट कर रहे थे जिसमें लम यहीदन वाला आ रहा था, जी जी 65 की 4 65 की आयत, सूरत 65 की आयत नंबर 4, उसको आप एक नाबालिग बच्ची पे उसको लगा रहे थे। मैं नहीं लगा रहा, सॉरी सिस्टर, वंस अगेन मैं नहीं लगा रहा, आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स 14वीं सदी तक यही लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। क्या उनको मना करें, उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची है, उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची है, उन्होंने कहा छोटी बच्ची जिसको अभी तक हेज नहीं आया, छोटी बच्ची जिसको अभी तक हेज नहीं आया, बच्ची बच्ची child child, that's what they say, all of your early scholars says that. main nahi manti aapki tafsir to mukhtalif ho sakti hai, meri tafsir, excuse me nisa ka matlab hota hai woman kind, maine dikha diya hua hai, aap jaise jo west mein baithe hue hain, meri baat sunne, west sun le, ab aap sun le, sun le ab, जो आपके वेस्ट में बैठे हुए हैं, बोलने का मौका दो, आप सवाल करो और थोड़ा उनको भी बोलने का मौका मैं देता हूं, लेकिन ये जो वेस्ट में बैठे हुए आजकल के नए डंगर आए हुए हैं, मैं उन्हें डंगरों के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, जो कि इसको कहने की कोशिश करते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से उसको हेज नहीं आया, मोहम्मद साहब करूंगी मोहम्मद साहब को इस किस्म, यार सुन ले सिस्टर पहले ताकि मेरी बात पूरी हो जाए, मोहम्मद साहब को इस किस्म की किसी बीमारी का नहीं पता था, तमाम अर्ली स्कॉलर्स को किसी किस्म की बीमारी का नहीं पता था, और जो इसकी असबाबुल नज़ूल है वो भी यही कहती है कि मोहम्मद साहब के पास लोग आए और उन्होंने कहा कि आपने छोटी बच्चियों के बारे में नहीं बताया, किसके बारे में नहीं बताया, छोटी बच्चियों के बारे में नहीं बताया, मैं आपको असबाबुल नज़ूल दिखाता हूँ इसका, उसके बाद कोई शक रह जाएगा तो जाके अपने स्कॉलर से पता कीजिएगा और इन तमाम लोगों को जहन्नम वासल कीजिएगा, आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स इस चीज से अग्री करते हैं, मैं नहीं, क्या करेंगे अब आप? कौन से आपको सारे स्कॉलर आके बता के गए सिस्टर, आपके स्कॉलर्स आपकी वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं बता के गए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ले, किसने कहा है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये देखें यार क्या है यार आज, ये वेबसाइट को क्या हुआ, चलो वेबसाइट ही नहीं चल रही, एक सेकंड, F5 कुरान एक्स पे भी मिल जाएगा ना एडम, यार ये अल-तफ़सीर.com पे भी लिखा हुआ है, मैं पता नहीं अभी अल-तफ़सीर चला रहा था, चल रही थी, और अभी जो है वो अल-तफ़सीर में मसला हो गया, एक सेकंड यार, एक सेकंड मैं अभी दिखा देता हूँ, ये तो इतना बेसिक टॉपिक है, मैंने पता नहीं कितनी दफा कवर किया हुआ है, ये ले जी पढ़े जी सिस्टर, लास्ट लाइन पढ़े जरा फटाफट, जो लास्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, some women
जी ये पढ़े सर। सर यस बाबुल नजूल है आपका, मैं पढ़ देता हूँ। उबै इब्ने काब सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सम वुमेन ऑफ मदीना आर सेइंग, देयर आर अदर वुमेन हु आर नॉट मेंशनड, ही आस्क्ड हिम हु आर दे, ही सेड दोज आर टू यंग such that they have not yet started menstruation, those who are too old and those who are pregnant. So ab aap mujhe bataye, aapka asbabul nuzul bol raha hai, main bol raha hu, to isme kya masla hai? Isme koi masla nahi hai, iska matlab hai choti bachiyon ke bare mein ye ayat nazil hui hai. इसका मतलब है कि आयत छोटी बच्चियों के बारे में नाजल हुई है। ये ले पकड़े, ये अब आपकी स्क्रीन पे भी आ गया, वो जरा लेट हुआ उसको आने में। ये देखें, हु आर दे, दोज हु आर टू यंग सच दैट दे हैव नॉट येट स्टार्टेड मेंस्ट्रुएशन, बहुत छोटी हैं, बच्चियां हैं। अपनी बेटी 9 साल की बच्ची को, 8 साल की बच्ची को शादी करवाएंगी 53 साल के लड़के के साथ, मर्द के साथ? जो इस्लाम में जायज है वो करेंगे। वो आपके बच्ची को, यमनी बच्ची को, छोटी बच्ची को, आप जैसी एक औरत ने अपने से 3 साल से 3 टाइम्स बड़े मर्द के साथ शादी करवाई, अगले दिन वो इंटरनल ब्लीडिंग से मर गई। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना हो, लेकिन आप इस्लाम को जानते हुए मानते हुए ये करेंगी तो मेरा ख्याल है कि आपसे ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। ठीक है ठीक है, मत ठीक है, वो उनकी मर्जी है। ये देखे जलालैन क्या कहता है इस पे, इब्ने अब्बास को भी देख लेते हैं, जलालैन को भी देख ले, सबको देख ले। ये असबाबुल नज़ूल दिखाया मैंने अब आपको, ये जलालैन देखें वो क्या कहता है। जलालैन भी कहता है ये उनके बारे में है, दोज आर टू यंग्स, यंग एज, देयर पीरियड इज आल्सो बिकॉज़ ऑफ देयर यंग एज, देयर पीरियड्स आर आल्सो 3 मंथ्स, देयर पीरियड्स, जिनके पीरियड्स नहीं आए। अच्छा जी उसको भी छोड़ दें, इब्ने अब्बास को देख लेते हैं वो क्या कहता है। इब्ने अब्बास भी ये कहता है, दोज हु आर टू यंग बिकॉज दे आर टू यंग, क्योंकि वो बहुत छोटी है। कंजुल ईमान जी जब आप नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है आपके, जब आप नहीं बोल रहे हो तब म्यूट कर लीजिए जी। इब्ने कतीर साहब भी यही कह रहे हैं कि दोज हु आर टू यंग, बहुत छोटी हैं, जो कि बहुत छोटी हैं। अच्छा आपके अरबी स्कॉलर भी यही कह रहे हैं, मैं कहता हूँ अरबी स्कॉलर को सुन ले आप अपने अरबिक स्कॉलर को सुने, वो आपको क्या कहते हैं। और आप मेरे पास आके ऐसी बातें कर रही हैं कि आप अपनी बेटी को देंगी, मैं हैरान हूं इस बात पे कि अगर आपकी बेटी है और आप ऐसे करेंगे। ये ले, बहुत बहुत दुख हो रहा है कंजुल ईमान जानी, कलाम सही बुखारी सवाल जवाब नहीं करता, वो कलाम अल फतह, कलाम अल हाफिज फिल फिल फतह كل ده بيقول انه الاتفاق الاتفاق على انه الكلام هنا على الصغيره। वो कह रहे हैं कि इत्तफाक है, खतल बारी में, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में इत्तफाक है कि सगीरा छोटी बच्ची के साथ जब तक वो अपनी मेंस्ट्रुएशन को नहीं पहुंची शादी करना, और ये परमिसेबल है, इजाजत है कि आप उसके साथ शादी भी कर लें और उसको डिवोर्स भी दे दें। وان لم يحدث وفاق تطليقها والشرع قال هذا فعدتها كذا اور اسلامک شرع اس چیز کو اجازت دیتی ہے مين اللي قال الكلام ده زي ما بقول لحضرتك تو کیا غلط ہے شخص صغیرہ صغیرہ اللي هي لم تبلغ الحيض يجوز نعم الكلام تزويجها طبعا الكلام ليس كلامي انما الكلام على ايه يعني 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 تبقى مثلا يعني مثلا كم سنه يعني 10 سنين 9 سنين 8 سنين لم يتحدث يعني کوئی नहीं है शरत जिस मर्जी। अच्छा अब आप मुझे बार बार कह रही हैं कि इसमें हरज क्या है। जी बिल्कुल। अच्छा आप जब अपनी बेटी की शादी करवाएंगी ना और वो इंटरनल ब्लीडिंग से नाउज़ु बिल्ला उसकी वफात हो जाए तो मेरे पास आइएगा और मुझे बताइएगा हर्ज क्या। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मजहब ऐसी चीज की इजाजत देता ही नहीं जो अभी तो। एक मिनट मैडम, मैडम एक मिनट एक मिनट, कंजुल ईमान जी अभी आयत की रोशनी में, तफसीर की रोशनी में बताया ना आपको। अच्छा उससे पहले इजाजत नहीं देता है ये हम देख लेंगे कि इजाजत है या नहीं है, पहले आप ये बताइए कि इस तरीके से अगर इजाजत है तो वो सही है या गलत है, तब जाके सवाल आएगा ना कि अगर आप गलत समझती है तब जाके आपको साबित करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप गलत ही नहीं समझती है
जी आप तो इस बात को भी जुर्म समझ रहे हैं ना कि मुर्तद को कुछ नहीं कहना चाहिए, नहीं मुर्तद को छोड़ दीजिए अभी, देखिए मुर्तद जो है एक, ठीक है ए, एक मिनट कंजुल ईमान जी, इतना बड़ा ए, एक मिनट कर रहे हैं, ठीक है एक तो मिनट आपको कुछ ना कहा जाए, आपको चुट चुट किया जाए, आप बहुत अच्छा कंजुल ईमान जी, कंजुल ईमान जी एक मिनट रुक जाइए आप, मुर्तद की बात जो है ना वो तो एक अडल्ट है, ठीक है आप हमको मार दोगे, यहाँ पे बात बच्चियों की हो रही है, पहले आप ये तो बताइए ना कि इस तरीके से बच्चियों के साथ शादी करना, उनके साथ हमबिस्तरी करना, एक बूढ़ा इंसान या बड़ी उम्र का इंसान, आप इसको सही समझती है या गलत समझती है? एक मैं आपको बात बताऊं, जब आका अलैहिस्सलाम की शादी आयशा से हुई, आपकी उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन नहीं, नहीं, वो बात ठीक है, वो बात की बात है कंजुल ईमान जी, वो बात की बात है, उस पे आप अपना प्रूफ दे सकती है कि आयशा की उम्र कितनी थी, वो बात की बात है, पहले आप ये तो सबके सामने बताइए, तकरीबन 900 लोग देख रहे हैं, पहले ये तो कंफर्म करिए कि आप छोटी बच्चियों के साथ शादी और उनके साथ हमबिस्तरी को सही समझती है या गलत समझती है, उसके बाद फिर आयशा की क्या उम्र थी वो हम उस पर बात कर सकते हैं, पहले ये तो बताइए कि आपका मौकफ क्या है, इस गंदे अमल को आप गंदा समझती है या नहीं समझती है? आप किस चीज को गलत समझ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि गलत हो, ठीक है? नहीं नहीं ठीक, आप क्या समझती है, सही समझती है या गलत समझती है, छोटी बच्चियों के साथ, छोटी बच्ची 6 साल 7 साल के साथ शादी या 9 साल में उसके साथ हम बिस्तरी, एक 50 साल का बूढ़ा या 30 साल का जवान या 70 साल का बूढ़ा, आप इसको सही समझती है गलत समझती है, जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है, वो तो पहले क्लियर कर दिए, मौकफ क्या है आपका मौकफ? मेरा मौकफ वही है इस्लाम का है, जो अगर इस्लाम के एक 6 की करो तो मैं कहूंगी 6 ही की करो। हाँ तो फिर प्रूफ लेने की बात नहीं होती है ना, मैं इस्लाम के साथ मुत्तफिक हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा इस्लाम जुल्म नहीं कर सकता। अच्छा ये बच्ची पे जुल्म नहीं है, एक मिनट कंजुल ईमान जी, ये बच्ची पे जुल्म नहीं है कि वो अभी उसका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, उसका प्राइवेट पार्ट जो है वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि एक बूढ़ा इंसान या एक हेल्दी मेल अपना प्राइवेट पार्ट उसके अंदर दाखिल करे और वो ब्लीडिंग हो, उसकी मौत हो जाए, ये मैं बात जरूर कर रही हूँ लेकिन आप हद से ज्यादा ओपन हो रहे हैं। ओपन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे, यमनी चाइल्ड ब्राइड 8 years ऑफ एज डाइज ऑन द वेडिंग नाइट, क्योंकि इस्लामिकली उन्होंने उसकी शादी कर दी, बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग, बिकॉज उस बंदे ने जो उससे 3 गुना बड़ा था, उससे 3 गुना बड़ा था, जिसकी शादी हुई उसको अक्ल होनी चाहिए ना, मैंने कैसे क्या मतलब अक्ल होनी चाहिए, इस्लाम ने अलाउ किया कि सेक्स कर लो? अच्छा एक मिनट, आपने माना अच्छा यार, साहिल मेरा दिमाग खराब हो गया यार इस औरत की, नहीं नहीं एडम मैं बात करता हूँ, नहीं नहीं एडम एक मिनट, वैसे नहीं जो तुम्हें जवाब दे तुम्हारा दिमाग खराब ही होता है, मेरा दिमाग इससे खराब हो गया कि मोरालिटी इंसानी मोरालिटी से इतनी नीचे बैठी हो, एडम रुक जाओ प्लीज, एडम ये बात याद रखो, एडम रुक जाओ, एडम प्लीज रुक जाओ। अच्छा कंजुल ईमान जी, इसीलिए तो मैं आपसे पूछा ना कि आपका मौकफ क्या है, अभी आप बोल रहे हो कि उस इंसान को अक्ल होनी चाहिए, क्या आप इसको गलत मानती है कि नहीं मानती है? वो कंफर्म कर दे तो आगे की बात में मजा आएगा या समझ आएगी आपके भी, मैं लोगों के भी। उस बात को एग्री करती हूं जो मेरे इस्लाम में अलाउ है, तो ये इस्लाम के हिसाब से इन्होंने किया है ना शादी, ये जो यमनी गर्ल जो है 8 साल की थी, ये इस्लाम के हिसाब से किया है, आप इसको सही मानती है या गलत मानती है? शादी करना तो गलत नहीं है। हाँ शादी, शादी के बाद क्या होता है, उस बंदे को जिसके साथ शादी हुई है उसको मैं कहती हूँ कि बालग भी औरत हो तो उसके साथ भी जानवर तो नहीं बना जा सकता। नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप कह रही है कि शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिस्तरी में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, तो वो कंफर्म कर दीजिए, अपना मौकफ तो क्लियर रखे आप, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये है, तो फिर यार तो ये फिर सही है ना, एक मिनट, ये इसने जो किया है ये यमनी बंदे ने उस 8 साल की बच्ची के साथ, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग किया है, तो आपका इस्लाम ये एक जो अलाव करके रखा है इस चीज को, इसके वजह से बच्चियों की जिंदगी खराब हो जाती है,
بلکہ ان کو موت آ جاتی ہے اور آپ اسلام کو اچھا سمجھ رہی ہے. لیکن آپ کے اب پوائنٹ بہت زیادہ ہیں, میں جو سن چکی ہوں کتنے زیادہ پوائنٹ ہیں. آپ اس پوائنٹ پہ آپ فی الحال بات کریے, علم کسی مفتی سے ڈسکس کرنا چاہیے. آپ عام مسلم کو لے کے اس کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں, اس کو وسوسے. لیکن آپ خود اس چیز کو صحیح کہہ رہی ہے نا, پرابلم وہ ہے. آپ خود اس چیز کو صحیح کہہ رہی ہے کہ میرا اسلام اگر کہتا ہے کہ ایک بچی 6 سال کی, 7 سال کی, 8 سال کی, 9 سال کی, اس کے ساتھ ایک بوڑھا انسان, ایک ہیلدی انسان شادی کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرے تو کوئی حرج نہیں. آپ خود کہہ رہی ہے, اس میں عالم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چلے یہ تو ڈسکس ہو گیا نا, میں نے کلیئر کر دیا. جو اسلام بولے گا میں اس پہ اگری ہوں. ہاں تو آپ غلط بات کو اگری کرو. آپ کے نزدیک وہ ظلم ہوگا لیکن اسلام ظلم نہیں کرتا. یہ آپ اچھا بچی کی موت ہو جائے, ایک منٹ, بچی کی موت ہو جائے, بچی کو تکلیف ہو, اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اسلام الاؤ کرے جس سے اتنا زیادہ خطرہ ہو. یار آپ اتنے کنفیوز ہو نا, آپ ایک بار خود بولتی ہو کہ ویسا ہے, پھر بولتی ہو کہ ویسا نہیں ہے. اسلام ایسی چیز کو اگر اسلام نے الاؤ کیا ہے تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, تبھی الاؤ. یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھیے ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اچھا آپ خود ایک فیمیل ہے کنزول ایمان جی, آپ کو نہیں معلوم ہے ایک بچی نہیں سہ سکتی ایک بڑے انسان کو؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ 9 سال میں بھلے سے اس کو حیض آ جائے لیکن وہ 9 سال اس کی ایج نہیں ہوتی ہے سیکس کی اور اس کے بعد پریگنینسی ہینڈل کرنے کی. آپ کو یہ چیز نہیں معلوم ہے؟ آپ خود ایک فیمیل ہے نا, آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا. چلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی, چلو وہ اس وقت بالغ نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن کیا بعد میں بھی بالغ نہیں ہوئی؟ کیا وہ اتنے ٹائم انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے؟ محمد نے 9 سال کی عمر میں اس کے ساتھ سیکس کیا. محمد نے 9 سال کی عمر میں اس کے ساتھ سیکس کیا. میں وہی آ رہی ہوں, مدے پہ آ رہی ہوں کہ اگر کیا بالغ بھی, اگر کیا نہیں کیا, تمام احادیث کے اندر لکھا ہوا. آگے چلیں, میری بات سنیں کہ اگر کیا بھی تو اتنا ٹائم ان کے ساتھ رہی ہیں, اگر وہ ان سے اتنی تنگ تھی, ان کو تکلیف تھی ان سے, تو کیا وہ خوش نظر آتی یا ان کے ساتھ اتنا ٹائم گزارتی؟ کون کہتا ہے کہ آپ محمد صاحب کے زمانے میں محمد صاحب کے خلاف جا کے زندہ بچ سکتے تھے؟ کیا محمد صاحب نے ہر شخص کو جو ان کے خلاف گیا نہیں مروایا؟ کعب بن الاشرف کو نہیں مروایا؟ کیا محمد نے, سسٹر لسن ٹو دی کوسچن بیفور یو آسک انادر کوسچن, ہولڈ آن, ٹھیک ہے, محمد صاحب نے جو شو, پھر وہی سوال سننے پھر جواب دیجیے گا. آپ سن کے اپنے وقت میں بولے نا, آپ کنزول ایمان جی اچھے سے ڈسکشن کرے نا, بولو ایڈم. جب کعب بن الاشرف کو مروایا, ام کرفہ کو مروایا, ان سب کو مروایا, ایک چھوٹی سی بچی اگر محمد صاحب کے خلاف کچھ غلط بول دیتی تو محمد صاحب اس کو نہ مروا دیتے؟ آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ 18 سال کی عمر میں مر گیا تھا محمد, 18 سال کی تھی جب وہ مر گئے تھے محمد. کیا کروں, 18 سال کی چھوٹی ہوتی ہے کیا؟ تو بھئی جب اس کے چھوٹی ہوتی ہے نا, 9 سال کی تو چھوٹی ہوتی ہے نا کنزول ایمان جی. تب نہیں بول رہی تو 15 سال کی بولتی, 14 سال. اچھا نہیں بولنے سے مر جاتی نا, مر جاتی, مروا دیا جاتا اس کو. ایسا کچھ نہیں ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لوگوں کے نکاح فسخ کیے ہیں جو نہیں چاہتی تھی کہ نکاح میں رہنا. وہ مجھے یہ بتائیں کہ محمد صاحب کے خلاف جو کھڑا ہوا ان میں سے کون بچا, صرف وہ بتا دے ایک ایگزامپل. وہ کہتی ہے کہ میں نکاح میں نہیں رہنا چاہتی, دو پوائنٹ ہے یار. کنزول ایمان, محمد صاحب کے خلاف کون کھڑا ہوا اور زندہ بچ گیا وہ بتا دیں پلیز. اب آپ نئی طرف چل پڑے, ایسا کچھ نہیں ہے. کنزول ایمان جی دو پوائنٹ ہے. ایک تو یہ کہ وہ کچھ بولی یا نہیں بولی, دوسرا اگر کسی کے اپوز نہیں کرنے سے ایک غلط کام صحیح ہو جاتا ہے کیا؟ 9 سال کی بچی آپ نے دیکھی ہے کیا آس پاس؟ ذرا ایک بار منہ پھیر کے دیکھ لیجئے آپ, کدھر آس پاس آپ کو کوئی آپ کے گھر میں 9 سال کی بچی نظر آ جائے, کہ ہوتی کتنی ہے 9 سال کی بچی؟ مجھے ایسے کرانے جیسے میں دنیا میں کبھی لڑکی دیکھی نہیں ہے. نہیں آپ کی بات ویسی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ 9 سال کی بچی جو ہے وہ ایک 18, 19, 22, 25 سال کی لڑکی کی طرح ہوتی ہے. آپ اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہو کیس کو,
इसलिए मैंने कह रहा हूं कि आपके घर के आसपास 9 साल की बच्ची को देखो और 55 साल के बूढ़े को देखो। शादियां तो अभी भी होती हैं ऐसी, ऐसी क्या बात है? नहीं तो शादी होती है तो कोई गलत काम करने से सही हो जाएगा क्या? पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि 9 साल की बच्ची प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं हो सकती है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं। तो क्या हम साइंस को पूरी तरह मानते हैं? साहिल नहीं यार, ये इस्लाम ने इसके दिमाग को तबाहो बर्बाद कर दिया हुआ, लाइक लिटरली। मुझे शुरू में गुस्सा आ रहा था और अब मुझे इस पे तरस आ रहा है। मुझे इस औरत पे इस वक्त तरस आ रहा है कि अगर अगर ये थोड़ी सी अपनी बेटी को कभी इसने दे दिया और वो मर गई खुदा ना खास्ता, उसका खून इस औरत के ऊपर होगा, लाइक लिटरली। मैं कहता हूं कि ऐसी औरतों को रब कभी माई ना बनाए, ऐसी औरतों को रब कभी माई ना बनाए, मेरी दुआ है। वरना तो सर ये अपनी बेटी को मार डालेगी यार, ये मार डालेगी। मैं तो ऑलरेडी ये इस्लाम के अंदर मार डालेगी ये। इसने 9 साल में अपनी बेटी दे दी किसी को, ये मरवा देगी उसको। ये लाइव रिकॉर्डेड कॉल है। अच्छा एडम, एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि आयशा बड़ी ही लकी थी कि उसको हमल नहीं ठहरा। मर जाती वरना यार, वरना मर जाती, वरना मर जाती। अगर हम, अगर मोहम्मद के स्पर्म में जान होती और उसको हमल ठहरता, वो मर जाती। सीजेरियन वाला ऑप्शन तो तभी था नहीं। एग्जैक्टली, मर जाती बेचारी। ठीक है, मेरे ख्याल से इनके पास और आर्ग्यूमेंट इसके अलावा नहीं है और इन्होंने अपनी सोच रख दी है। तो आर्गुमेंट तो मैं तब रखूं ना जब मैं जा रही हूं, मेरा एक पॉइंट ठीक है। जी जी, आप आयशा को माने और अपनी बेटी को प्लीज, खुदा का नाम है, किसी सेक्युलर कंट्री में रहना जहां पे इजाजत ना हो आपको 9 साल की उम्र में शादी करवाने की। मैं बस यही कहूंगा, और अल्लाह पाक जो है ना, जिस भी अल्लाह को आप मानती हैं, वो आपकी औलाद को महफूज रखे, आपसे आपकी औलाद को आपके शर से महफूज रखे, और आपकी औलाद को अकल दे, और वो इस जहन्नम नुमा दीन में से बाहर निकले जिसको आप मान रही हैं। मेरी यही दुआ है। थैंक यू आप आई। इस मुल्क में मैं रह रही हूँ, ये गोरों का मुल्क है, लेकिन शुक्र करे गोरों के मुल्क में है, नहीं तो पाकिस्तान में मरवा देती अपनी बेटी को। शुक्र करो उस सेक्युलर कंट्री में हो जहां पे तुम्हारा मियां 4 शादियां नहीं कर सकता, तुम्हारा मियां तुम्हारे मुंह पे चपेट नहीं मार सकता। पाकिस्तान में रहती तुम्हारी वो हालत होती, कुत्तों वाली हालत होती। मैं बताता पाकिस्तान में क्या होता है। औरत को हम जलील करके रखते हैं, औरत को पाकिस्तान में हम जलील करके रखते हैं, रियलिटी है। वो पुलिस थाने में भी नहीं जा सकती। शुक्र करो कि तुम मोहम्मद ने इसी तरीके से रखा, आयशा के सीने के ऊपर मोहम्मद ने कसुन मारा, ये हालत है। और तुम अब पाकिस्तान में नहीं हो, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो तुम पाकिस्तान से बाहर हो। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप की कोई मेहरबानी है तुम्हारे ऊपर कि उनके कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है, वरना तुम्हारी जो हालात है। इन्होंने अपनी बात रख दी, ठीक है। लोग जो सुन रहे हैं उनको फैसला करने दीजिए, कोई मसला नहीं है। इसके बाद और फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। कंजुल ईमान जी, आपने अपनी बात रख दी है, ठीक है। मैंने ये बात, मैं उसका अपनी बात का खुलासा ये करूंगी कि इस्लाम जो है वो जुल्म नहीं करता। अगर थैंक यू, देख लिया हमने, हम समझ गए कितना। हाँ, ये लोग डिसाइड कर लेंगे। यार मेरा इस वक्त लिटरली, यार एक बंदा मुझे आगे कहता कि धमकी दे, मेरा बीपीआई नहीं होता, इस औरत ने बीपीआई कर दिया। मैं इसकी तो लिटरली स्पीक, ठीक है ठीक है। नहीं, वो लोग देखो, इस ये असल में है ना एडम, ऐसे लोगों को भी आना जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे मुसलमान है ना, कम से कम इनको देख के समझ जाए कि इस्लाम किस तरीके से एक अच्छी सोच को मार देता है। यार तोबा है यार साहिल, सीरियसली यार, मैं मेरा दिमाग इस वक्त, मेरे दिमाग में ना, मेरा दिमाग खोल रहा है इस वक्त, लाइक सीरियसली मेरा दिमाग खोल रहा है इस किस्म की औरत पे। लिटरली I'm amazed यार, oh my goodness। अच्छा, बड़े बड़े दिनों से ये मेरे स्ट्रीम में भी आने की कोशिश कर रही थी कंजुल ईमान जी, और आज मौका मिला, इनको यहाँ आवाज भी आ गई और लोगों के सामने इनकी सोच भी आ गई, तो ठीक है। दूसरा कोई है तो ले लो।